अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद फसीहुद्दीन मेदक और आप देख रहे हैं मेदक फास्ट न्यूज़। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंद्रा रेड्डी ने ज़िला कलेक्टर्स और ज़िला एसपीज़ को मशवरा दिया कि वो इस बात को लेकर पूरी तरीके से चौकस रहें कि रियासत में जारी 10वीं जमात के इम्तहान में सवालिया पर्चा लीक होने के वाक़ियात की तकरार को रोकने के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करें। हैदराबाद से रियासती सतह के अहदेदारों के साथ उन्होंने 10वीं जमात के इम्तहानात के इनेकाद के सिलसिले में ज़िला कलेक्टर्स को कई एक तजावीज़ दी। कलेक्टर्स और एसपीज को गुज़िश्ता दिनों से 10वीं जमात के सवालिया पर्चे के लीक होने पर अलर्ट जारी किया गया और सख्त इंतजाम करने का मशवरा दिया ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़ियात दोबारा ना हों। वजीर ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि 10वीं जमात के इम्तहानात के इनेकाद में तकरीबन 57,000 लोग ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं और एक दो की गलतियों से बच्चे और वालिदैन परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इम्तहान शुरू होने के बाद पेपर सामने आया, उससे हुकूमत को गैर ज़रूरी तौर पर बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इम्तहानी मराकज़ के इलाकों में दफ़ा 144 को सख्ती से नाफिस किया जाए, हर इम्तहानी मरकज़ में सिक्योरिटी सख्त की जाए, इम्तहानी मराकज़ के अंदर किसी को मोबाइल रखने की इजाज़त हरगिज़ न दी जाए। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर मेदक ने कहा कि पोस्ट ऑफिस के 19 अहदेदारों को हिदायत दी गई कि वो सिर्फ मुकम्मल तौर पर बंद गाड़ियों के ज़रिए ही जवाबी पर्चे पहुँचाएँ। कलेक्टर ने कहा कि तमाम अफसरान को इस बात का हुक्म दिया गया कि वो बकिया इम्तहानात को सख्त सिक्योरिटी के दरमियान बखूबी अंजाम देने के लिए तालमेल से काम करें। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर राधा किशन के अलावा दीगर अहम शख्सियात शरीक रहे। आइए इस सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हजरात के पेश खिदमत। कठिन उड़ा बाध्यता असल अभी डिपार्टेंट्स वरंगल जगह संघटन अगर सेक्यूरीटी वाले अलर्ट 144 सैक्न असल बेलक उड़ा सो आलोचन जगह संघटन जरूर उम बटे दयचे गौरव एसपी गई सीपी गई सेक्यूरीटी टाइम सेलफोन अलोटी विद्याशाख संबंधी अधिकारि स्थाई गति आदेश प्रदेश कमलापूर मंडल एग्जाम जो मन एस प्रति चोट का दादापू वरंगल कमीशन 166 शिवाजी गोडल की कमलापूर बॉय स्कूल मैडम कमलापूर बॉय स्कूल दादापू 275 मंदिर అక్కడ క్యాండిడేట్స్ ఎగ్జామ్ అప్పేర్ అవుతున్నారు సో అక్కడ వీళ్ళు ఈ శివాజీ అనేవాడు ఇతను 60-year-old బాయ్ మేడం ఇతను గోడ దూకి వెళ్ళి అక్కడ లోపలికి వెళ్ళి కిటికీ నుంచి दादापू 60,000 50,000
విద్యాశాఖ సంబంధించిన అధికారులు కూడా కింది స్థాయిలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ గట్టి ఆదేశం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది.